आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए मेडिकल सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कोरोना वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व में भारत की क्षमता का लोहा मनवाया। सबको टीका, मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6,47,00,000 तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42,00,000 से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2,329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 900 MBBS सीटों पर शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। साथ ही निर्माणाधीन 14 नए मेडिकल कॉलेज में सत्र 2022-23 से MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही 16 जनपदों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही बेहतर चिकित्सा लाभ भी मिलेगा। MBBS, MDMS एवं DMMCH की सीटों में वृद्धि होने से युवाओं को भी चिकित्सा शिक्षा में नए अवसर प्राप्त होंगे। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सबसे अधिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार।